सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। जिस तरह से विराट कोहली की कप्तानी अभी तक रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली अब जीत का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्रिकेट टुडे में। मैं हूं हर्षित आनंद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमरदीप श्रीवास्तव। जिस तरह से भारतीय टीम ने जीत हासिल की अमरदीप पहले टेस्ट मैच में, एक बात तो साफ है कि अब विराट कोहली लग रहा है कि इसी सीरीज में सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान बनने की ओर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल हर्षित, देखा जाए तो भारत के सबसे सफल कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 27 टेस्ट मैच जीत दर्ज की है। 60 टेस्ट मैचों में उन कप्तानी की 18 में टीम को हार मिली और विराट कोहली की कप्तानी में भी भारतीय टीम 27 टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर चुकी है। यानी सिर्फ एक जीत की दरकार है टीम इंडिया को और जैसे ही वो जीतेगी तो विराट कोहली सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में। और पिछला जो टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता, ये विराट कोहली की कप्तानी में 12th अवे टेस्ट विन था। हम आप सभी को बता दें कि सौरभ गांगुली की कप्तानी में अगुवाई में भारतीय टीम ने 28 टेस्ट मैचेस में 11 अवे टेस्ट विन रजिस्टर किए थे, लेकिन विराट कोहली ने तो सिर्फ 26 टेस्ट मैचेस में ही उनका जो ये रिकॉर्ड था उसको पछाड़ दिया है। तो यानी अब सबसे सफलतम भारतीय कप्तान बन गए हैं व्हेन इट कम्स टू अवे टेस्ट मैच विंस, और अब ओवरऑल जो टैली है उसको भी ओवरटेक बहुत जल्द कर लेंगे। हमने सभी दर्शकों को बता दें, जैसा अमरदीप ने कहा, 60 टेस्ट मैचेस लगे थे महेंद्र सिंह धोनी को 27 जीत दर्ज करने में एज कैप्टन, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ 47 यानी 47 टेस्ट मैचेस में यह कारनामा करके दिखाया है। महेंद्र सिंह धोनी का जो विनिंग परसेंटेज था उनकी कप्तानी में वो था 45% का, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में ये बढ़कर है 55%। यानी कि जो विराट कोहली का ये परसेंट है ये बेस्ट एवर है बाय एनी इंडियन कैप्टन। और अमरदीप, अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जो हुई उसमें जीत हासिल की टीम ने, अगर हम घरेलू मैदान पे बात करें तो टीम ने बहुत समय से मैच नहीं हारा है। विराट कोहली की कप्तानी में तो इनफैक्ट एक टेस्ट सीरीज भी नहीं गवाया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया और बहुत टीम्स को हराया है। जी, तो क्या लग रहा है विराट कोहली को, क्या अब हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट मैच में जीतना एक होता है आंकड़ों के द्वारा आगे बढ़ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीता और जिस तरह से प्रदर्शन, क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल चुके हैं इवन इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स? देखिए हर्षित, क्या टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है विराट कोहली की कप्तानी में, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन विराट कोहली के पास जैसी टीम है, तेज गेंदबाजों का जखीरा मौजूद है उनके पास, स्पिनर्स में भी अच्छे ऑप्शन है, ऑलराउंडर्स में भी अच्छे ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा ने शानदार करके दिखाया, तो इस लिहाज से अगर देखे जाए तो टीम आने वाले जो भी सीरीज है उसमें काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी मुझे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मौजूदा टीम की जो हालत है देखते हुए। और खुद कप्तान विराट कोहली भी बल्लेबाजी में टीम को लीड करते हैं शानदार तरीके से, बेशक कभी टीम उनकी हारी भी हो लेकिन कभी विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सवाल नहीं उठाए गए। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं जो मौजूदा टीम की स्थिति है, बस हाँ थोड़ा सा विराट कोहली की जो कप्तानी में टीम सिलेक्शन है उस पे थोड़ा सा सवाल उठते हैं। और यहाँ तक ये भी कह सकते हैं जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में हमें हार का सामना करना पड़ा, वैसे स्कोर लाइन तो 1-2 और 1-4 था लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज थी वो सीरीज। साउथ अफ्रीका में हम काफी करीब थे देखा जाए तो जीत के, अगर हम देखें इंग्लैंड में भी शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा एक टेस्ट मैच था हर्षित, उसमें पहला टेस्ट मैच वेस्टर्न उसमें हम बहुत करीब थे जीत के। तो देखा जाए तो अगर कुछ चीजें हैं जिसमें विराट कोहली को काम करने की जरूरत है, काम हर्षित उन्हें बस अपनी थोड़ा कप्तानी में ही करना है। हाँ, कप्तानी की बात ही हो रही है मुझे, तो इस चीज में अगर वो इस एस्पेक्ट में वर्क करें तो इट कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। और मुझे लग रहा है कि भी काफी आगे आने वाले समय में भी हम विराट को कप्तानी करते देखने वाले हैं, तो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, इन सरजमीन पर अगर टीम जीतती हुई दिखती है तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। श्रीलंका में 2 टेस्ट सीरीज वैसे ही जीत चुके हैं, वेस्ट इंडीज में भी 1 टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं और दूसरा जीतने के कगार पे ही है, तो बाई नो मीन्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी विराट कोहली की जो कप्तानी में ये टीम है बहुत ज्यादा मजबूत है, नंबर 1 टेस्ट टीम भी है। और भारतीय, हर्षित यही बताना चाहूंगा कि 318 रन से जीत दर्ज करने के बाद आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो टैली है उसमें भी भारतीय टीम नंबर 1 पर पहुंच गई है, यानी विराट कोहली कहीं भी से भी नंबर 2 पर टीम को नहीं देखना चाहते हैं। बात आपने सही कही, अब देखने की बात होगी कि आगे आने वाले समय में विराट की कप्तानी कैसी रहती है। और जिस तरह से अभी वो कप्तानी करते आ रहे हैं भारतीय कप्तान के तौर पर, क्या मुझे लगता है कि जो अभी ओवरऑल कैप्टन्स हैं और ओवरऑल टीम्स हैं उसमें भी भारतीय टीम और विराट कोहली का परचम लहरते हमें दिख सकता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।